वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10 ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के पाठ 1 प्रकाश के आंकिक प्रश्न नंबर 4। चूँकि 1 से 3 तक के सवाल इसके पहले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने किया है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के उस क्वेश्चन का नंबर डाल के बता सकते हैं और उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जो अगली वीडियो में है वहाँ में फिर से डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप सभी को प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी बच्चे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। पहले पूरा वीडियो देखिए फिर सवाल को अपने मन से करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए और सभी लोग नोट बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन सुनिएगा, अपनी किताब से क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। देखिए दर्पण की बात किया गया है तो उत्तल दर्पण, ठीक है, तो उत्तल दर्पण है यहाँ पर हमारा, ठीक है। ये चीज़ सभी लोग समझ लीजिएगा, उत्तल दर्पण दिया गया है। अब यहाँ पर जो है 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए यानी कि वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी u बराबर माइनस में रहेगा तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करिए और फिर आगे क्या दिया गया है, ठीक है, और वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, तो v जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्लस का 10। आप सभी को मालूम है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तु की जो डिस्टेंस होती है उसको माइनस में रखते हैं और जो इमेज बनता है उसको प्लस में रखा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या ज्ञात करना है। इसमें हमको ज्ञात करना है फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, फोकल लेंथ ज्ञात करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा सभी लोग, देखिए अगर उत्तल दर्पण का सूत्र देखें, ठीक है, तो वही सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। आप देखिए सब वैल्यू इसमें रख लेंगे, जो भी वैल्यू हमको दी गई हैं, देखिए 1/-40, ठीक है, और एक सेकेंड यहाँ पर वैल्यूज जो हैं, यहाँ पर हम लोग सूत्र को थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पर ठीक है u कर लेंगे और यहाँ पर v कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फार्मूला गलत हो गया था, आप समझिए, आप समझिए 1/-40 + 1/+10 हो गया, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से समझिए सभी लोग, अगर इस गिनती का LCM निकालेंगे तो LCM निकल के आएगा 40 निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए 40 एक कम 40 होता है, तो ये माइनस का 1 हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा 10 चौके 40 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/40 निकलेगा, ठीक है। आप देखिए तो ये 1/f = ठीक है 3/40 हो गया, देन f = निकल के आ जाएगा 40/3 निकल के आ जाएगा। अब अगर इसको हम लोग, ठीक है, अब अगर इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है, तो अगर काटेंगे तो आंसर इसका निकल के आ जाएगा, सीधे भाग कर लेंगे, निकल के आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो फोकस दूरी हमारी कितनी निकल के आ गई है 13.33 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। आप लोग इसको एक बार में भी देख सकते हैं, ठीक है, एक बार में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हों तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी दर्पण उत्तल है जिसकी एफ दिया गया है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, ये प्लस में होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण में आगे दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है, तो वस्तु की दूरी यहाँ पर माइनस में होती है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की डिस्टेंस निकालना है, वी कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि NCERT से लिया गया है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर सूत्र हम लोग लगा देंगे, वही अभी तक जो हम लगाते थे वही सूत्र लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/f = 1/u + 1/v हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमको क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है। तो f को इधर ले आएंगे, सॉरी u को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 1/v बराबर में हो जाएगा, ठीक है, 1/f - 1/u हो जाएगा, ठीक। अब सब चीज़ को रख देंगे इसमें, ठीक है, क्या करेंगे सब कुछ रख दो इसमें। देखिए तो क्या हो जाएगा 1/f, तो 1/f की वैल्यू 20 है, तो f यानी 1/20 -1/ और ये हमारा 25 लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए ये वाला माइनस ए वाला माइनस मिलकर के प्लस कर देगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/20 और ये प्लस कर देगा, तो 1/25 हो जाएगा। अब हर जो है हर का क्या करेंगे, LCM ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, हर का क्या कर लेंगे, LCM ज्ञात कर लेंगे। देखिए तो 25 और 20 के LCM निकल के आएगा 100, ठीक है, 20 × 25 100 और 25 × 100 इस हिसाब से क्या हो जाएगा 5×9 यानी 9/100 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें, ठीक है, इस हिसाब से तो जो हमारी 1/v निकल के आया है वो 9/100 निकल के आया है, ठीक है। देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/9 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 111.111 आएगा, तो इस हिसाब से जो v हमारा निकल के आ गया है वो कितना निकल के आ गया है 11.11 निकल के आ गया है, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था, ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं पूरा एक बार में, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, और उसका आंसर था, ठीक। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम अगली वीडियो में आप सभी के डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए अब हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे।